Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. I hope आप लोग सब ठीक हो और मेरी वॉइस क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ. वैसे आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, बट आजकल मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और दूसरी चीज़ कि आई नो ये मेरा व्लॉग, मतलब मैंने ना व्लॉग मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करूँ. ओके लेट्स स्टार्ट. सो अभी मैंने बहुत टाइम से व्लॉग वीडियोस कुछ मैंने डाले अपने यूट्यूब चैनल पे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और लाइफ मैं बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ ना करूँ करके. लेकिन दिल के अंदर से ना मेरे को एक बहुत ज़्यादा था कि मैं बनाऊँ 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 करके, बिकॉज़ कभी कभी कुछ मेमोरीज ऐसी होती है ना जो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरे को मैंने क्यों नहीं बनाया करके. और आजकल मैंने मॉर्निंग में डांस क्लास जाना शुरू करा है. इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 1 month, लेकिन मैं उतनी रेगुलर नहीं थी. वो मैंने सोचा कि व्लॉग को स्टार्ट करते हैं आज से और आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, कैसे करते हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, सुबह उठने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ और यू नो हाफ एन आवर हो जाता है ना, उसके बाद लगता है कि वर्थ रहा मेरा आना. और जब हम घर को आते हैं तो हम इतने स्वेटी होते हैं कि अंदर से ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है. और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और मैं आपको दिखाऊंगी डांस स्टूडियो और मतलब जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी. और हम यहाँ से व्लॉग शुरू करेंगे. और वन मोर थिंग कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, बट इसके अलावा मैं पहले ये व्लॉग डालने वाली हूँ बिकॉज मैंने अपने बर्थडे का व्लॉग शूट कर रखा है. और मैंने हम लोग एक जगह गए थे घूमने, तो मैंने वहाँ का व्लॉग शूट किया है, तो वो मैं डालूँगी और फिर मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगी. तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ डांस क्लास. और एक सेकेंड का हाँ, तो मैं पहुंचने वाली हूँ डांस क्लास. ये है शॉर्टकट रास्ता और ये वी वायरस है मेघना के पास, मेघना के बगल में, सबको पता ही होगा. तो जिसको आना है फिर भी मैं बता दे रही हूँ. अभी हम दिखाएंगे आपको हमारा स्टूडियो जो कि 1 महीने से हुआ है और इट्स लाइक मेरा ये यार. अभी हम आपको विजय से भी मिलाएंगे और वो हमको डांस का कुछ 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 बताएंगे. हाय विजय. सही बोला. दिख रहे हो? विजय और फाउंडर ऑफ ई वायरस आर्ट स्टूडियो. और हम लोगों ने जो ई वायरस डांस स्कूल, जो पहले डांस स्कूल हुआ करता था, अब आर्ट स्टूडियो हो गया. क्योंकि सिर्फ नाम चेंज करने के पीछे की वजह है क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ पे डांस सिखाते थे और अब डांस के साथ म्यूजिक और टैटू भी यहाँ पे बनते हैं, साथ में प्रोडक्शन हाउस भी हम लोग करते हैं, इवेंट ग्रुप भी हम लोग का है, तो इसलिए इसे बोलते हैं वी वायरस आर्ट स्टूडियो. और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे डांस सीखने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए, साथ में टैटू अगर आपको बनाना है या फिर आपको अपना कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए भी आप लोग आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. साथ में कोई गाने आपने बनवाने हैं या मूवीज़ आपने बनवानी है अपनी, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह, तो इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आगे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. देखा मैंने पूरा सिखा रखा है, पूरा सिखा रखा है मैंने. बोल क्या यूं मैं यही बोलना. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सुबह सुबह उठना तो बहुत ही बेकार लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और ये है हमारा स्टूडियो. बहुत मज़ा आता है. लोग बोलते हैं ना कि डांस तो घर पे भी कर सकते हैं. नहीं कर सकते, जब आएगा ही नहीं तो कैसे डांस करोगे आप. और दूसरी चीज़ ये होती है ना, जैसे ये जो मिरर वाली फीलिंग है और एक जगह पर आके कुछ चीज़ करना बहुत डिफरेंट होता है और घर पे कोई चीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. और मुझे तो इतना बेस्ट लगा ना, मतलब
एक एक स्टेप सिखाते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में आपको जो नॉर्मल वाले स्टेप्स होते हैं ना वो सिखाते हैं, उसके बाद मतलब डेली 15 टू 20 मिनट्स आपको नॉर्मल बेसिक स्टेप सिखाते हैं। एंड हमारे साथ आ गई दीदी। तो हेलो दीदी। हेलो दीदी, फीमेल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, काउंसलर है। सॉरी अब मेरे को तो इंट्रोड्यूस कराओ। माइसेल्फ गोदावरी नगर कोटी। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैंने इनको भी बताया था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी कल। तो सब आते हैं, दीदी भी आती है। दी, आप क्यों आते हो डांस बताओ? आप क्यों आते हो डांस? मैं तो अपनी फिटनेस के लिए। तो आपकी फिटनेस का राज डांस है। समझ लूंगी देख के। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गाना था। अब हम हो गए बेहोश, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। गीतांजलि, तुम्हें कैसा लगा जल्दी बताओ? गीतांजलि हाथ खुल रहे हैं तुम्हारे? इसने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। किसने? मैंने सही बोला था तुम्हें? तो मैंने सही एडवाइस। तो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब जाते हैं घर को और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, देखो। हेलो दोस्तों, ये है मेरे दोस्त डांस क्लास के, जहाँ जाओ नए नए फ्रेंड्स मिलते रहते हैं। दोस्तों जल्दी चलो। अरे ये इनकी मॉडलिंग कराती हूँ। हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ वापस डांस क्लास से और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब बजे हैं 8 और अब डेली रूटीन शुरू। अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, नहाना है और बहुत सारे काम और भी हैं। अब ये जो मेरा कलर है ना, ये जा रहा है धीरे धीरे, ये जा रहा है, ये बाय बाय टाटा कह रहा है। जैसे कि आजकल मैं तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए डांस क्लास जा रही हूं, तो आप लोग क्या करते हो? और आप कमेंट करके मुझे बताना और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। सो बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।